आज की हमारी क्लास HDP फर्स्ट ईयर के लिए इंट्रोडक्टरी एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की है, जिसके अंतर्गत आज का अपना जो चैप्टर है वो है ब्रीडिंग सिस्टम यानी प्रजनन पद्धति। इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे कि प्रजनन क्या होता है, किस किस विधि से पशुओं में प्रजनन होता है और कौन सी विधि का क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है और किस विधि से कौन सी नस्ल प्राप्त की जा सकती है और प्रजनन का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रजनन की डेफिनेशन के बारे में कि प्रजनन किसे कहते हैं या ब्रीडिंग क्या है। तो वो अपन देखते हैं कि नर व मादा जनकों द्वारा सहवास कर संतान उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है, यानी मेल और फीमेल दोनों पेरेंट्स मिलकर आपस में जब सहवास करते हैं तो सहवास के दौरान जो संतान उत्पन्न होती है उसको अपन क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। अब अपन बात करते हैं प्रजनन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। प्रजनन को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहला कारक है आपके पर्यावरण, दूसरा कारक है प्रजनन का तरीका और तीसरा कारक है सिलेक्शन। तो प्रजनन को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से तीन कारक है, पर्यावरण, प्रजनन का तरीका और चयन। ये हो गए आपको प्रजनन को प्रभावित करने वाले कारक। अब अपन बात करते हैं प्रजनन के उद्देश्य के बारे में कि प्रजनन का क्या उद्देश्य है। पशु के शरीर की शीघ्र वृद्धि करना यानी पशु शरीर की ग्रोथ है वो जल्दी करने के लिए भी प्रजनन करवाया जाता है, अर्थात पशु शारीरिक रूप से जल्दी प्रजनन योग्य हो जाए। दूसरा है अच्छे से अच्छे गुणों वाली अधिक से अधिक संतान पैदा करना, यानी अच्छी किस्म के या अच्छी नस्ल के नर और मादा पशुओं में ज़्यादा से ज़्यादा सहवास करवाना ताकि उनसे अधिक से अधिक संख्या में संतान पैदा की जा सके। नेक्स्ट है पशु का उत्पादन प्रतिशत बढ़ाना, जैसे अंडा उत्पादन है, दूध उत्पादन है, ऊन उत्पादन है, मांस उत्पादन है और दूध में फैट परसेंट बढ़ाने के लिए भी अच्छी नस्ल के नर और मादा पशुओं में प्रजनन या सहवास करवाया जाता है। नेक्स्ट है उच्च कोटि के वांछित लक्षणों वाले पशु का चयन कर सहवास कराना, यानी जो अच्छे नस्ल वाले और अच्छे गुण वाले नर पशु और मादा पशु होते हैं उनका चयन करके उनके वांछित लक्षणों के आधार पर पशुओं में प्रजनन करवाना। नेक्स्ट है पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, ये भी एक प्रजनन का उद्देश्य है। अब अपन बात करते हैं ब्रीडिंग सिस्टम के बारे में, प्रजनन पद्धति के बारे में। तो प्रजनन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक है अंतः प्रजनन और दूसरा है बही प्रजनन। अंतः प्रजनन को इनब्रीडिंग कहते हैं और बही प्रजनन को आउटब्रीडिंग कहते हैं। अंतः प्रजनन भी दो प्रकार का होता है, एक होता है आपके क्लोज ब्रीडिंग और दूसरा है लाइन ब्रीडिंग। क्लोज ब्रीडिंग को संप्रजनन कहते हैं और लाइन ब्रीडिंग को अंतर्वंश प्रजनन कहते हैं। जबकि आउटब्रीडिंग है वो पुनः चार प्रकार की होती है, उसमें सबसे पहला प्रकार है आपके आउट क्रॉसिंग, जिसको अपन भिन्न संकरण प्रजनन भी कहते हैं। दूसरा है क्रॉस ब्रीडिंग यानी संकर प्रजनन। तीसरा है ग्रेडिंग अप यानी क्रमोन्नति और चौथा है हाइब्रिडाइजेशन, जिसे प्रसंकरण कहा जाता है। ये आउटब्रीडिंग है जो चार प्रकार की हो गई। इसमें
जो क्रॉस ब्रीडिंग होता है वो पुनः चार प्रकार का होता है। एक है आपके क्रिस क्रॉस, दूसरा है ट्रिपल क्रॉस, तीसरा है टॉप क्रॉसिंग और चौथा है बैक क्रॉसिंग। क्रिस क्रॉस, ट्रिपल क्रॉस, टॉप क्रॉस और बैक क्रॉस, ये क्रॉस ब्रीडिंग के प्रकार हैं। तो आपको पूछ लिया जाए कि प्रजनन कितने प्रकार का होता है, तो प्रजनन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग चार प्रकार की होती है, आउटक्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, ग्रेडिंग अप और हाइब्रिडाइजेशन। अब आपको इसके अंदर गहराई में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा क्रॉस ब्रीडिंग कितने प्रकार का होता है, तो क्रॉस ब्रीडिंग चार प्रकार का होता है, क्रिस क्रॉसिंग, ट्रिपल क्रॉसिंग, टॉप क्रॉसिंग और बैक क्रॉसिंग। ये है आपके क्रॉस ब्रीडिंग के प्रकार है। और जो इनब्रीडिंग है, अंतः प्रजनन है, ये भी जनकों की निकटता के आधार पर या आपसी संबंधों के आधार पर दो प्रकार का होता है। एक होता है क्लोज ब्रीडिंग और दूसरा है लाइन ब्रीडिंग। तो ये अपन ने ब्रीडिंग सिस्टम का या ब्रीडिंग का जो क्लासिफिकेशन था वो अपन ने देख लिया। अब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ब्रीडिंग के प्रकार। और ब्रीडिंग के प्रकार में सबसे पहला प्रकार अपन पढ़ेंगे इन ब्रीडिंग के बारे में, जो अपन नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे।